रूस यूक्रेन युद्ध आज 13वें दिन तक पहुंच चुका है और लगातार रूस की राजधानी मॉस्को से एक आरोप वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के ऊपर लगाया जाता है कि वे देश छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अपने वीडियोस के जरिए ये बता देते हैं कि वे अपने देश में ही मौजूद हैं और देश छोड़कर नहीं गए। आज एक ताजा वीडियो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने जारी किया जिसमें उन्होंने ये तक बताया कि वो कीव की किस गली में मौजूद हैं, किस जगह से वो अपना काम कर रहे हैं और ये तक दावा किया वो इस देश को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये देश जीत ना जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस प्रकार से आत्मविश्वास से भरा हुआ अपना वीडियो संदेश जारी किया है जिसकी पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है और लगातार लोग उनके इस आत्मबल और इस आत्मविश्वास को भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और लगातार ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में ये कह रहे हैं कि यूक्रेन अवश्य जीतेगा। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार अपने फोन के द्वारा ये बता रहे हैं कि उनकी लोकेशन क्या है और इस लोकेशन के साथ साथ वो अपनी यूक्रेनी भाषा में वो अपने देश को संबोधित कर रहे हैं, साथ में अंतरराष्ट्रीय मीडिया और विश्व भर के लोगों को ये बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है और यूक्रेन के नागरिक, यूक्रेन की सेना लगातार एक दूसरे के सहयोग से रूस की सेना को आगे बढ़ने से रोक रही है और अपने देश के लिए जद्दोजहद कर रही है और अपने देश को जिताने के लिए और अपने देश पर मर मिटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। और एक तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया वो जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हार नहीं मानेंगे, अपने देश को छोड़कर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। धन्यवाद, मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस।